हाँ, आप तो संघ भाजपा की बात कर रहे हैं, मनुवादी बात कर रहे हैं आप। ये बटे हुए कहा, आप बटे हुए हैं। जिस समय मुख्यमंत्री बनेंगे ना, तो एक भी बहुजन का बेटा बेरोजगार नहीं रहेगा, एक भी लोग माटी टाटी में नहीं रहने देंगे। हम संघ भाजपा के मोदी के हनुमान बनेंगे तो साहब समाज का कल्याण नहीं हो सकता। लेकिन हमारे बेटे को गारंटी कौन लेगा? रोजगार की गारंटी, स्वास्थ्य की गारंटी, शिक्षा की गारंटी, और भी संवैधानिक चीजें हैं कि आरक्षण बढ़नी चाहिए घटनी चाहिए। आज आरक्षण को खत्म करने की बात होती है, हमारी जाति तो बहुत राज्यों में नहीं है। क्यों नहीं आप एक राष्ट्र एक शिक्षा की बात क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं आप एक राष्ट्र एक पोशाक एक किताब की बात करते हैं? जब घर कमजोर हो तो सबसे पहले घर से शुरुआत करो, अपना घर को मजबूत करो, तब जमात की बात करो, तब देश की बात करो। देखिए, आज का प्रोग्राम ऐतिहासिक प्रोग्राम है और अखिल भारतीय दुस्साध कल्याण परिषद का जो पहल है 33वें स्थापना दिवस पे, मैं उन तमाम कार्यकर्ताओं को, संगठन के लोगों को, बड़े पदाधिकारी को तहे दिल से मैं शुक्रिया धन्यवाद देता हूँ। और ख़ास करके जो दिल्ली जनपद में, दिल्ली प्रदेश में जो बुराड़ी, चुना भट्टी, नागलोई, नोएडा, जमुनापार और इधर पूसा और इंद्रपुरी से सभी लोग आए हैं, उनको भी तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देता हूँ मैं जी। क्या क्या मांगे हैं आज के प्रोग्राम में? देखिए, हमारी मांगे ये है इस मंच के माध्यम से कि भारतवर्ष आज़ादी की आज अमृत महोत्सव मना रही है, लेकिन इस अमृत महोत्सव में भी हमारे लोग अपेक्षित हैं, वंचित हैं, शोषित हैं। और हमारे नेतृत्वकर्ता ने, जिनको हमारा समाज ने सर का ताज दिया, 50 साल तक उनको पे भरोसा किया, भगवान की तरह पूजे, लेकिन न दिल्ली जैसे राजधानी में एक पासवान भवन मिला दुसाधों का, न पटना जैसे, न उत्तर प्रदेश में, न झारखंड में, और आज 28 राज्य हैं, उन 28 राज्यों में हमारी जाति पासवानों का मात्र 4 राज्य में आरक्षण है, रिजर्वेशन है, जबकि आज़ादी का आज 75वें साल में हम लोग हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दिल्ली के बहुत सारे समाज के बच्चे लोग जो हैं, हमारे पासवान जाति के जो बच्चे हैं, उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, JNU, मेडिकल में, IP यूनिवर्सिटी में भाई साहब एडमिशन नहीं मिलता आरक्षण में, उनको जनरल में जाना पड़ता है। अब बहुत लोग वंचित रह जाते हैं आरक्षण से। यहाँ पे मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंजीनियर रहा हूँ, मैं जनरल में नौकरी किया, यहाँ से पढ़ाई किया, मैं यहाँ जनरल में रह करके पढ़ा। तो हमारे समाज के जो प्रोधार हैं उनका सम्मान है, श्रद्धे दिल है वो, और उनको मैं बहुत इज्जत करता हूँ, मैं मेरे पिता तुल्य हैं। लेकिन कब तक काट की हारी चढ़ती रहेगी? मेरा मांग है कि जिस भी प्रदेश में, खास करके केंद्र की सरकार और दिल्ली की सरकार को मैं ये कहना चाहता हूँ, और भी राज्य की सरकारें जो हैं, कि जो हमारी जाति अनुसूचित जाति जनजाति के सूची में नहीं है, उनके जनगणना करा करके संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उनको अनुसूचित जाति के सूची में आप शामिल करो, दुसाद जाति को। नहीं तो इसके लिए हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। जंतर मंतर पे बहुत दफ़ा मैंने धरना दिया और इस संगठन ने भी दिया, बहुत सारे सभी लोग का योगदान है, एक मेरा नहीं, लेकिन मैं भी उसमें। और हमारी जो जातियाँ हैं जिनको आज सरकारी नौकरी रोजगार नहीं मिल रहा है, हमारे समाज के, आपके चुने हुए नेता संसद में जाते हैं, खामोश रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब तक हमारे नेता लोग किसी पार्टी का पैरोट बनेंगे और संघ भाजपा के मोदी के हनुमान बनेंगे तो साहब समाज का कल्याण नहीं हो सकता, मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ मैं। तो इसलिए समाज का बेटा चाहिए, समाज का भगवान नहीं चाहिए। गिनीज बुक में नाम लिखवाया आपके नेताओं ने तो? देखिए, आदरणीय सम्मानीय मेरे पिता तुल रामविलास पासवान जी इस दुनिया में नहीं है, एक समय का रहा है उनका योगदान, हम डिनाई नहीं करते हैं, लेकिन 89 से लेकर के 1989 से लेकर जो वो बदले, अपने आप को बदला, समाज को अनपढ़ जाहिल और शोषित वंचित, जो हाथ में कटोरा सोना का होना चाहिए वो मार भात में ही सिमट के रह गया। तो हमको समाज को जगाना है, और आज मैं कहता हूँ उनके पुत्र को कि समाज को आंख खोल के देखो, तुम्हारे तरफ देख रहा है, नहीं तो सेकंड पौदान का नेता मैं हूँ, मुझे लोग गले लगा लेंगे, जब लगा लेंगे तो फिर आप मिट जाइएगा साहब, आपको कोई नहीं पूछेगा। समाज का काम कीजिए, हम लोग समाज को, समाज अगर नेता मानता है तो उसका दर्द को अपना दर्द समझिए, उनकी बेटी बेटा का रोजी रोजगार के लिए सोचिए, उनके
जो परिवार है कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे खुशहाल रहेगा, उसके लिए देखिए 90% लोग हमारे लोग गांव देहात में हैं, वहां जाके उनका रहन सहन देखिए। हमारे लोग आज भी रिक्शा चलाते हैं, माटी टाटी में रहते हैं, क्या होते हैं यहाँ पर भी आकर के बहुत सारा उधर सभी बेटा लोग ई रिक्शा चलाता है दिल्ली में आकर के। साहब हम लोग हैं जरूर पढ़ करके आगे बढ़े, लेकिन हमारे बेटे को गारंटी कौन लेगा? रोजगार की गारंटी, स्वास्थ्य की गारंटी, शिक्षा की गारंटी, और भी संवैधानिक चीज़ें हैं जो कि सभी संवैधानिक पद पे होने चाहिए, सदन में बात कौन करेगा? तो हम रोड पे हल्ला कर रहे हैं, जिस दिन ये मेरा समाज हमको अवसर देगा लोकसभा में हम उसकी बात करेंगे रखेंगे। का जो दौर चल रहा है आपको लग रहा है प्राइवेटाइजेशन के दौर में आप लोग सरवाइव करवा? देखिए मोदी साहब ने कहा है, मैं राजनीतिकरण नहीं करता हूँ, लेकिन उनका कहना है, सिंपल सवाल, मैं झोला लेके आया हूँ, खाली झोला लेके आया हूँ, भर के अंबानी अडानी को देने में लगे हुए हैं। अगर गरीब शोषित वंचितों को दिया होता ना, उसमें मेरा भी समाज आगे बढ़ जाता। सुन लीजिए, प्राइवेटाइजेशन की बात है तो अंबानी अडानी जैसे जो कंपनियां, उद्योग है, धंधा है, कल कारखाने, उन सब में भी आरक्षण नीति लागू होनी चाहिए। बाबा साहब आम्बेडकर का देन है जो आज हम लोग बोल रहे हैं। आज हम लोग रामविलास पासवान जी भी जो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड कायम किए ना, उनके परिवार जो लोकसभा में है ना, वो बाबा साहब आम्बेडकर का देन है। 1935 में ब्रिटिश हुकूमत में आरक्षण नीति लागू हुई थी, शायद यहाँ पे बहुत लोग को पता होगा या नहीं भी होगा। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को और 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक रूप से पारित हो गया। उस समय देश की कुल जनसंख्या कितनी थी? उस समय देश की कुल जनसंख्या 39 करोड़ था, आज कितना है? 140 करोड़। तो आपको बता दूं कि आरक्षण बढ़नी चाहिए घटनी चाहिए? आज आरक्षण को खत्म करने की बात होती है, हमारी जाति तो बहुत राज्यों में नहीं है, प्राइवेटाइजेशन हो गया, आरक्षण तो खत्म ही हो गया। पहले तो सुन तो लो साहब, वहीं आ रहा हूँ, ये होगी तो आपको बता दूं, आरक्षण की मेरी मांग है कि 35 से 40% बढ़ा के किया जाए, जो 22.5% आरक्षण है उसको 35 से 40% बढ़ा के किया जाए, ये मेरी मांग है। प्राइवेटाइजेशन सुन लीजिए, अगर हम लोग मोबाइल रिचार्ज कराना बंद कर देंगे ना, अंबानी अडानी का दुकान बंद हो जाएगा। राहुल गांधी जी ने क्या सवाल किया कि 20,000 करोड़ अडानी को कहाँ से मिले? ये साहब देश को 140 करोड़ जनता को, आवाम को बता दीजिए, उसी में पेट में दर्द हो गया। तो इसलिए हमारी जाति की हक अधिकार के लिए मैं बात कर रहा हूँ, अंतिम सांस तक करता रहूँगा, कोई करे या ना करे, कोई लोकसभा सदन में उठाए या ना उठाए, मैं करता रहूँगा। नई शिक्षा नीति जो आई है, फिर से समाज को अनपढ़ बनाने के लिए, और जो गरीब शोषित वंचित निर्धनों का समझे बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के ऊपर ना आए, हम जैसे लोग इंजीनियर डॉक्टर ना बने, हमारे बच्चे लोग, सुन लीजिए साहब। और आपको बता दूँ कि ये जो पढ़ाई हायर एजुकेशन की जो 4 ईयर्स प्रोग्राम के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने आंदोलन किया था, लड़ाई लड़ा था टीचर्स एसोसिएशन के साथ, आज वही 4 ईयर्स प्रोग्राम आप लागू कर रहे हैं। कौन सा शिक्षा नीति आप ला रहे हैं साहब? क्यों नहीं आप एक राष्ट्र एक शिक्षा की बात क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं आप एक राष्ट्र एक पोशाक एक किताब की बात करते हैं? क्यों कहाँ पे आप जनता को दीर्घभ्रमित करें? महंगाई का आलम देख लीजिए, बेरोजगारी का आलम देख लीजिए, कहते हैं ये घर का रसोई गैस साहब कितना महंगा हो चुका है, कितना ये रिक्शा चलाने वाले लोग कैसे महीने में उपार्जन करते हैं, लाते हैं, व्यवस्था करते हैं, परिवार को चलाते हैं, पढ़ाना लिखाना कितना भारी पड़ रहा है। तो मोदी साहब को समझना चाहिए। 2024 में क्या रहेगा? हम बहुजन के लोग, देश के बहुजन, अम्बेडकरवादी, ये जय भीम बोलने वाले लोग और वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल के मानने वाले लोग, बुद्ध के मानने वाले लोग, इस बार 2024 में मोदी साहब को कुर्सी खींच करके उतार लेंगे। 2024 में फिर से आ रहे हैं, वो तो कह रहे 50 साल तक रहेंगे। सुनिए, वो 50 साल तक जिंदा रहेंगे, वो जिंदा रहेंगे, उनकी आयु है, गारंटी लेंगे कल की। तो इसलिए मोदी साहब तो कुछ भी बोल देते हैं, मन की बात आज कर रहे हैं, 100वां मन की बात है, तो जंतर मंतर पे बेटी बैठी हुई है, उसकी भी मन की बात होनी चाहिए, देश के गरीब शोषित वंचितों की बात होनी चाहिए। हो मोदी साहब, दुसाद रेजिमेंट बनवा दीजिए ना, झोला भर के मेडल पहुंचा देंगे, सरहद पार से जितनी गोली आएंगी सीना हम लगा देंगे। बाबा साहब डॉक्टर V.R. अम्बेडकर ने कहा था कि जब घर कमजोर हो तो सबसे पहले घर से शुरुआत करो, अपना घर को मजबूत करो, तब जमात की बात करो, तब देश की बात करो। अगर सुन लीजिए, अगर यहीं भारतवर्ष में
अगर समाज के साथ लड़ाई होगी, समाज को साथ अनदेखी होगी, तो उसके साथ मैं खड़ा रहूंगा। अगर देश की बात आएगी फिर हम देश के साथ खड़ा रहेंगे। जब जात में बांटा जाएगा तो फिर बहुजन कहां से बनेगा और कैसे? कहां बटा हुआ है साहब? वो तो आप मीडिया वाले हैं कि संघ भाजपा के आदमी है? हाँ, आप तो संघ भाजपा की बात कर रहे हैं, मनुवादी बात कर रहे हैं आप। ये बटे हुए कहा बटे हुए हैं? लेकिन बाबा साहब का एक कथन था ना, रोटी बेटी का संबंध, वो तो आज तक नहीं है बहुजन। देखिए क्यों, आप बताइए, बढ़िया सा योग्य लड़की, हम शादी करने के लिए तैयार हैं, हम कुंवारे हैं अभी, बेटी रोटी का संबंध स्थापित करने के लिए क्या बात कर रहे हैं साहब? देश कहां से कहां चला गया? सिर्फ शोषित वंचित शोषण दोहन हो रहा है हम लोग के साथ, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। हम लोग दुसाद चमार मुसर डोम, सुनिए, दुसाद चमार मुसर डोम भंगी रजक जितने भाई लोग हैं, सब हम लोग आपस में भाई भाई हैं, कहीं बटे हुए नहीं है। तो क्या 2024 में क्या चेहरा रहेगा बहुजनों का? बहुजनों का चेहरा रहेगा एक, हम लोग उभारेंगे, हम लोग चलेंगे, हम भी चेहरा हैं। हम क्या यहाँ सुंदर नहीं दिख रहे हैं, योग्य व्यक्ति नहीं दिख रहे हैं आपके चैनल पे? बिहार का भावी मुख्यमंत्री हम हैं, सुन लीजिए। और जिस समय मुख्यमंत्री बनेंगे ना, तो एक भी बहुजन का बेटा बेरोजगार नहीं रहेगा, एक भी लोग माटी टाटी में नहीं रहने देंगे हम, ये मैं वादा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से।